किल मूवी की स्टोरी काफी लाजवाब है, लेकिन इसमें जो एटीट्यूड डाला गया, जो इसमें सीन डाले गए काफी ज्यादा परफेक्ट रहे, और लक्ष्य राघवानी ने इसमें जो एक्टिंग की है काफी अजब है, और इसमें तानिया भी काफी अलग रोल से नजर आती है। लेकिन इसमें एक सर्कल है जहां पर मूवी दिल्ली से, मूवी की सीन कुछ इस तरह से, दिल्ली से ट्रेन चलती है, दिल्ली से ट्रेन को चलने के बाद यहां पर कुछ इसके अंदर चोर लुटेरे घुस जाते, वो भी एक दो की संख्या में नहीं, वो भी 40-40 की संख्या में, और वो किलर ऐसे थे, यानी कि ऐसे चोर लुटेरे घुसते हैं कि वो किसी को भी काटने मारने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते, नहीं सोचते थे। लेकिन यहां आश्चर्यजनक बात ये थी, रक्ष राघवानी उस ट्रेन में यानी कि थे, और यहां पर तानिया भी उपलब्ध थी, और वहां पर देखा जाता उस ट्रेन में दो कमांडो भी उपलब्ध थे, यानी कि सीन जो है पूरी तरह से ट्रेन की दिखाई गई। और वहां जो ट्रेन में जब सीन चालू होती है तो इतनी फैंटास्टिक चालू होती है, इतनी अलग चालू होती है कि इस मूवी का पूरी तरह से लुक चेंज करने की कोशिश करती है। अलग से सीन में हमें दिखाया गया, जहां की एक्शन सीन में हमें कुछ अलग दिखाया जाता है, जहां पर एक्शंस करते हुए जो यानी कि आग बुझाने के सिलेंडर्स होते हैं उनको कुछ अलग तरीके से यूज किया जाता है। यूज करने के बाद इसमें सूत्रों के अनुसार अगर मानी जाए तो शायद इसमें जो तानिया है ये भी एक आर्मी की तरफ से ही कमांडो उस ट्रेन में शायद थी, लेकिन इस चीज को क्लियर नहीं किया गया इस मूवी के ट्रेलर में। लेकिन मूवी का ट्रेलर है उस हद तक, यानी कि एक इस मूवी को देखने के बाद ये चीज 100% लग सकता है कि बॉलीवुड के हर एक एक्शन सीन को शायद अपडेट कर दिया गया है। इस चीज को यानी राघो ने खुद अपने यानी रिव्यू किया है, राघो ने खुद बताया है कि इस मूवी के काफी अच्छे रहे, जो कि यानी बॉलीवुड के डैडी भी एक तरफ से कहलाते हैं, और काफी अच्छी मूवी को बनाने में इसमें राघो का भी हाथ रहा है। लेकिन मूवी के अगर अंडर एस्टिमेट यानी अलग लेवल की बात करूं तो पूरी तरह से मूवी की सीन जो है ट्रेन पर ही फिनिश की जाती है। इससे ये पता चलता है कि मूवी की जो सीन रहेगी 100 में से 80% हमें ट्रेन में ही दिखा दी जाएगी। लेकिन एक्शन लेवल भाई जो पुराने में दिखाए जाते थे वो पूरी तरह से अभी पुराने जो दिखाए जाते थे वो पुराने ही हो चुके हैं। लेकिन इस मूवी में हमने जैसे पहले भी कहा, मूवी की सीन को पूरी तरह से अपडेट जैसे कर दिया गया, इस तरीके से हमारे सामने कुछ इंटर करते हुए नजर आएगा। मूवी के हर एक पल में आप लोगों को ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, और मूवी हर एक पल में आपको इंटरटेनमेंट करते हुए कुछ अलग तरीके से नजर आएगी। इसलिए मूवी से हम ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं और इंपैक्ट भी होते हैं। लेकिन इस मूवी से हम कुछ ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रेलर को देख करके इतना ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारी मुलाकात बार बार होगी।